सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप अपने माई जियो ऐप के अंदर जो कॉल हिस्ट्री होता है उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे गाइस, काफ़ी सारे लोग अभी परेशान हो चुके हैं और माई जियो ऐप के अंदर कॉल हिस्ट्री डिलीट करने के लिए। बट गाइस, माई जियो ऐप के अंदर कहीं भी आपको कॉल हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और इसके रिलेटेड काफ़ी सारा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो चुका है और कोई भी यूट्यूबर अभी तक कॉल हिस्ट्री डिलीट माई जियो ऐप का करके कोई नहीं बताया। बट गाइज, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जहां से आप माई जियो ऐप के अंदर का कॉल हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो और वह ट्रिक कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, सब कुछ आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी गलत स्किप करते हो और एक भी ट्रिक अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आपको माई जियो ऐप के अंदर का जो कॉल हिस्ट्री होता है उसको डिलीट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको ऊपर माई जियो यहाँ पे सर्च कर लेना है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे माई जियो सर्च कर लिया हूँ और मेरा यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आता है तो पहले आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपका इंस्टॉल है और यहाँ पे अगर आपका अपडेट का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इसको इंस्टॉल या अपडेट आप कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है इंटर मोबाइल नंबर और एक नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको जिस मोबाइल नंबर, आपको जिस जियो सिम का आपको कॉल हिस्ट्री डिलीट करना है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिक फिलअप ले लेगा गाइस, ठीक है, 6 अंक का। तो चलिए हम पहले अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर उसके आय का प्रोसेसेस आपको बताते हैं। जैसे आप वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लेना गाइज, आपको यहाँ पे जो एक आपको ट्रेंडिंग नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। और ट्रेंडिंग नाउ के ठीक नीचे आपको यूज डिटेल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला, जो देख लो गाइज, आपको मतलब थोड़ा नीचे आना और नीचे आने के बाद ठीक यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग नाउ का ऑप्शन मिलता है और एक मिल जाता है यूज डिटेल्स का गाइज, ठीक है। तो आपको यूज डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यूज डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको डाटा का मतलब हिस्ट्री आपको शो करता है, कॉल्स का, एक SMS का, ठीक है। तो आपको मुझे कॉल्स का डिलीट करना है तो मैं कॉल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कॉल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका टोटल कॉल हिस्ट्री आ जाएगा, जो यहाँ से आप देख सकते हो गाइस मेरा यहाँ पे टोटल कॉल हिस्ट्री आ चुका है। अब बात कर लेते हैं तो इसको हम यहाँ से डिलीट मतलब कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है माई जियो ऐप के अंदर का जो कॉल हिस्ट्री होता है उसको डिलीट करने का। तो आपको बैक यहाँ से आ जाना है, ठीक है। और बैक आने के बाद यहाँ पे जो देख सकते हो नीचे आपको एक मेनू का जो ऑप्शन आपको शो करता है तो आपको मेनू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप मेनू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे शो करता है प्रोफाइल सेटिंग्स का जो आपको ऑप्शन शो करता है, तो आपको प्रोफाइल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो उसके बाद देख लेना है कि ये आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा और आपका जिसके नाम से सिम होगा उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाता है, एक प्रोफाइल का, एक लिंकेड अकाउंट्स का, एक सपोर्ट का, ठीक है। तो आपको जो बीच में जो लिंकेड अकाउंट का जो आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आपको लिंकेड अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंकेड अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो लोडिंग ले रहा था, मैं यहाँ पर थोड़ा देर रुक जाता हूँ, जो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे भी लोड ले रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा देर यहाँ पे रुक जाना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे लोड लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आप पढ़ लेना। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि आपके मोबाइल नंबर जो आपका जियो का जो मोबाइल नंबर है वो, तो इनके कहने का मतलब है कि आपका जो मोबाइल नंबर है कोई भी लिंक नहीं किया है अपने माई जियो ऐप के अंदर। अगर कोई आपका माई जियो ऐप के अंदर और कोई लिंक किया रहता है तो वो आपका कॉल हिस्ट्री अपने मोबाइल में आसानी से देख सकता है। बट गाइज, यहाँ पे जो शो कर रहा है कि आपका कोई भी नहीं शो मतलब लिंक किया हुआ है। अगर कोई आपका लिंक किया रहता तो यहाँ पे आसानी से आपको शो करता और आप उसको यहाँ से हटा भी सकते थे। अब बात कर लेते हैं कि माई जियो ऐप का कॉल हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। तो आप एक चीज़ गाइज जान लो कि आप मतलब 100% गाइज आप माई जियो ऐप के अंदर आप कॉल हिस्ट्री नहीं डिलीट कर सकते हो। बट गाइज, एक तरीका है, एक ट्रिक जो मैं आपको शुरू में बताया था, मैं एक ट्रिक बताऊंगा वीडियो का लास्ट में, तो वो ट्रिक क्या है, उससे आप माई जियो ऐप के अंदर का मतलब 101% आप इसको डिलीट कर सकते हो, माई जियो ऐप के अंदर का जो कॉल हिस्ट्री होता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जियो का कस्टमर केयर जो होता है गाइज, आपको जियो के कस्टमर केयर को कॉल करना है, ठीक है। और जियो के कस्टमर केयर को कॉल करके उनको बोलना है कि सर मेरे माई जियो ऐप के अंदर कॉल हिस्ट्री डिलीट करना है। तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे मतलब डेट ऑफ बर्थ, किसके नाम से सिम है, यही 3 से 4 सवाल आपसे पूछेंगे। तो आपको उनका मतलब आंसर आपको उनका दे देना है, ठीक है। अब जैसे उनका आंसर दे देते हो
तो उनके बाद वो आपका 12 घंटा से लेके 24 घंटा के अंदर में आपके माई जियो ऐप के अंदर का कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि कस्टमर केयर को कॉल करने का नंबर कौन सा होगा। तो गाइस कस्टमर केयर को कॉल करने का दो मोबाइल नंबर होता है, जो एक वही कहा जाता है 198 एक आ जाता है जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ठीक है, और एक आ जाता है 1991 गाइस, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो देख सकते हो 199, मतलब आप इस दोनों में से किसी भी नंबर पर आप किसी भी टाइम अगर कॉल करते हो तो वो कॉल रिसीव कर लेंगे और 12 घंटा से लेकर 24 घंटा के अंदर में आपके माई जियो ऐप के अंदर कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।